जनपद संभल के चंदोसी में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के आवास पर हुआ जनता दरबार का आयोजन। योगी सरकार के दूसरे शासनकाल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए गुलाब देवी के आवास पर जनपद संभल के चंदोसी में सुभाष रोड पर स्थित उनके आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे, जिसे राज्य मंत्री ने सुना और उनके निराकरण का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि योगी जी की सरकार है और इस सरकार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी और जो भी समस्या का निराकरण के योग्य है उसका निराकरण कराया जाएगा। साथ ही चंदौसी में नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित कराई जा रही पुलिया की समस्या, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस विषय में अधिशासी अधिकारी से वार्ता की है और उनसे जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न आने को कहा है। कहीं कहीं खुद भी करती हूँ कि इसकी जांच करके और तुरंत ही इस पे कार्रवाई की जाए। और आप भीड़ देख रहे हैं सुबह 8 बजे से, इसी तरीके से जमाव बड़ा रहता है समस्याओं का और निराकरण होता है। ये माननीय योगी जी की सरकार है, इसमें कोई समस्या शेष रहेगी नहीं, जो निस्तारण करने योग्य है उसका अवश्य निस्तारण किया जाएगा। अरे जैसे शहर में कई जगह जल निगम का कार्य चल रहा है, जैसे ये जो स्टेशन रोड है तो यहाँ पर पुलिया बन रही है, वहाँ लोग बहुत शिकायत करते हैं, काफी लंबा समय हो गया पुलिया को बनते हुए और वो नहीं बन पा रही, बड़ी समस्या हम लोगों को होती है निकलने में। कल मैंने यू से कहा है कि जो मुख्य मुख्य स्थानों पे खुदाई करवा के डाल दी है, निर्माण कार्य चल रहा है, ये जल्दी से पूरा कर दिया जाए और लोगों का मार्ग जो है वो रुके नहीं, इस तरह की व्यवस्था भी वहाँ कर दी जाए, रास्ता जो है वो चालू रहे, लोग जो है भीड़ ना लगे और लोगों के निकलने में परेशानी ना हो। और कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? बस जनता के बीच में है, जनता ने चुना है, अपनी समस्या को निराकरण करा रही है, बैठे हैं, सब लोगों का काम कर रहे हैं।